इंदौर फूड रेसिपीज में आपका स्वागत है। पहले मैं बहुत परेशान थी, मैं अपने घर के पीछे बैकयार्ड को इस तरह से देखकर बहुत परेशान थी। मुझे स्नो देखना था, तभी मुझे किसी ने बताया फ्रीजर में रखे बर्फ को देख लो। A few moments later. और ये क्या, भगवान ने मेरी बात सुन ली। वाह, बर्फ आ गई। और अब मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूं। टन टन टन, स्नो स्नो एवरीवेयर, स्नो स्नो एवरीवेयर, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, हु हु हु। तो चलिए मेरे साथ। क्या भैया, सुबह जैसे ही हमको पता चला कि आज तो भैया बर्फ गिरने वाली है, तो चलो अपना स्वेटर वेटर निकाल लेते हैं, मस्त वाइट वाइट बर्फ में क्या फोटो आएंगे। तो बढ़िया, अपन बाहर आए तो देखा कि ये स्वेटर और ग्लव्स और टोपा कोई काम का नहीं, और यहाँ तो लगेगी डबल डबल जैकेट क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड है। और मैं आपके लिए वीडियो सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ कि यहाँ पर जब स्नो गिरती है तो कैसा माहौल हो जाता है। आज का मेरा वीडियो है अमेरिका के स्नोइंग डे के बारे में। मुझे यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे रास्ता है, बट मैं चले जा रही हूँ। कम ऑन, आप देख सकते हो कि मेरे नीचे से अभी स्नो उठा है और एकदम मस्त बर्फ का लट्टू बन गया। बस अपना मस्त क्या बोलते हैं, काला खट्टा स्ट्रॉबेरी सारी सिरप डाल के बस खाने की देर है, बट हम इसे खा नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली ये नीचे मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर स्नो है। बट हाँ, हम डायरेक्ट इसे मुँह ओपन करके हम डायरेक्ट स्नो ले सकते हैं। और आप देख सकते हो एकदम ठोस स्नो, ऐसा नहीं है कि मेल्ट हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ही यहाँ का भी -1 चल रहा है। तो आज यहाँ है स्नो डे और हम इंजॉय करने वाले हैं ये स्नो डे। और मैं बताने वाली हूँ कि आज यहाँ पर अराउंड 6 से 7 इंच बर्फ गिर चुकी है और गिरने वाली है, और कंटिन्यूस गिरे जा रही है रात से। और हू वांना बिल्ड अ स्नोमैन विथ मी, कम ऑन आ जाओ। ये हमारे घर का बैकयार्ड है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्नो बहुत ही एक्साइटिंग डे होता है जब भी स्नो गिरती है, और बहुत ही मज़े आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि एज सच इंडिया में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे इजी नहीं रहता है स्नो देखना, हमको कहीं हिल स्टेशन जाना पड़ता है उसके लिए, तो यहाँ स्नो दिखता है और बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये जो ट्रीज़ आप मेरे ऊपर देख सकते हो, तो ट्रीज़ में जो लीव्स है, अब फॉल सीज़न आकर जा चुका है, विंटर आ चुका है पूरी तरह से, तो ट्रीज़ पे एक भी लीव आपको नहीं दिखेगी। और अब ट्रीज़ पे बस कंटिन्यूस स्नो जमता जाएगा, बर्फ़ जमता जाएगा, बिल्कुल ट्रीज़ ढक जाएंगे एकदम से वाइट चादर की तरह, हमको ट्रीज़ पता ही नहीं चलेंगे कि क्या है। बता सकती हूँ मेरे फिंगर कितनी अंदर जा रही है, यहाँ पर देख सकते हो आप। माय गॉड, मेरी फिंगर पूरी चीप और अंदर जा चुकी है, और ये ओह माय गॉड।
देख सकते हैं कि रोड्स कैसी हो जाती है, एकदम स्टिकी स्टिकी। और यहाँ पे इस टाइम पे आपको ड्राइविंग करते टाइम बहुत ध्यान रखना रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रोड्स पे अगर आप ड्राइविंग संभाल के नहीं करते हो तो फिसलन का डर रहता है। और अब मैं आपको यहाँ के रास्ते दिखाती हूँ। आप रास्ते के आसपास देख सकते हो कि कैसे स्नो हर तरफ जमी है, घरों पे जमी है, बट रोड्स पूरी क्लीन है। यहाँ के पुलिस जो है रोड का बहुत ध्यान रखते हैं, और बिल्कुल फ्रोजन माहौल हो चुका है यहाँ का। और ऐसे सच आप देख सकते हो, ये जो घर तक जाने का रास्ता ही है, इसमें पहर के निशान दिख रहे हैं और पूरा जमा हुआ है। और बिल्कुल इतना डीप लड्डू, हाँ, सिर्फ डालो और बर्फ की चिस्की खा लो। मशीन्स आती हैं, ऐसी गाड़ी आती है, ये स्नो के लिए रोड्स क्लीन करती है, क्योंकि मेन रोड पे इतनी चिकनाई है, एक्सीडेंट्स होने के डर रहते हैं। घर के बाहर स्पेशली ये सॉल्ट डालते हैं, क्योंकि इनका मानना रहता है कि सॉल्ट स्नो को मेल्ट करा देता है। कार्स पूरी स्नो में थक चुकी है, अगर मैं बताऊंगी आपको पार्किंग। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट डे, क्योंकि हम को ऑफिस जाना रहता है, कहीं काम के लिए जाना रहता है, उसके पहले एक घंटे तक हमें कार पर से स्नो हटाना रहता है, क्योंकि हम स्नो कवर्ड कार को रोड पर लेकर नहीं जा सकते, वो अलाउड नहीं है यहाँ पर। और पुलिस जो है पकड़ के चालान लगाती है, इसलिए कार पूरी तरह से क्लीन करना ज़रूरी है। हम देख सकते हैं कि घर के बाहर एकदम जैसे ही स्नो गिरी है, उसके जस्ट बाद अब स्नो क्लीनिंग का पूरा चल चुका है, हर तरफ स्नो क्लीनिंग हो रहा है। ओह माय गॉड, ये बैन इस तरह से इनके पास मशीन रहती है, और इससे ये लोग स्नो क्लीन करते हैं। स्नो रात भर से गिर रहा था, इसलिए इनको थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो रही है, डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि स्नो मेल्ट करने में, स्नो जम जाती है तो वो कड़क हो जाती है। बिल्कुल हाथ से क्लीन कर रहे हैं। स्नो में एकदम, और ये मजे कुछ है। मैं तो अंदर जा रही हूँ, ग्लव्स पे भी कोई असर नहीं, अंदर तक गीले हो चुके हैं, क्योंकि इतनी ठंड है, इतनी कड़ाके की ठंड है, बता नहीं सकती है। तो मैं अंदर जा रही हूँ, और जल्दी जल्दी बेल आइकन बजा देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। Not for recipes, bye bye.